पानी ठंडा है लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है पानी का जो, देखिए आप लोग देखिए पानी कितना साफ है, देखिए बहुत ज़्यादा साफ है पानी, इसको चाहे पी भी सकते हैं वैसे। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नया व्लॉग में। फ्रेंड्स आज हम लोग मॉर्निंग में ही निकल चुके हैं और आज हमें ज्वाइन किए हैं हमारे एक भाई, अभी नाम रिवील नहीं करेंगे, वो आए खुद अपना नाम रिवील करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स आज का व्लॉग होगा काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, हम लोग ऐसे ऐसे प्लेसेस को कवर करेंगे जो काफ़ी एक अपने ज़माने में काफ़ी फेमस है और आज भी काफ़ी फेमस है। तो आइए प्रवीण भाई फिलहाल आ चुके हैं, तो आइए प्रवीण भाई से मिलते हैं। भाई बताइए कैसे हैं? एकदम बढ़िया ज़बरदस्त भाई, एकदम रेडी हो गए बाइक राइडिंग के लिए? रेडी भाई, ठंडी ठंडी बहुत कड़ाके ठंड है, तो चलें चलते फ्रेंड्स। अभी हम लोग हैं शास्त्री ब्रिज के पास में, शास्त्री ब्रिज से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। तो फिलहाल फ्रेंड्स अभी हम लोग फिलहाल पहुंच चुके हैं प्रयागराज का जो सबसे पुराना ब्रिज है, यमुना पुल भी कहते हैं इसे, और गौ घाट यमुना पुल भी कहते हैं, जो हमें प्रयागराज से नैनी के लिए जोड़ता है। तो फ्रेंड्स अगर बात करें इस ब्रिज का निर्माण कब हुआ, तो 15 अगस्त 1865 में ये ब्रिज बनकर तैयार हो गया था और इस ब्रिज से लगभग 200+ ट्रेनें गुजरती हैं। और फिर इस ब्रिज की लंबाई की बात करें तो 3150 फीट की इस ब्रिज की पूरी लंबाई है, एक छोर से दूसरे छोर तक। जो पिलर बने हैं, जिस पिलर पर यह ब्रिज पूरी तरह टिका हुआ है, लगभग 14 पिलर बने हुए हैं और जो 14वां पिलर है उसे हाथी पाँव भी कहा जाता है और हाथी के पाँव की तरह ये पिलर जो है अपना पैर जमाए हुए है इस ब्रिज के नीचे। और फ्रेंड्स फिलहाल मैं आपको बता दूँ कि ऊपर से ये ट्रेन गुजरती है, ये देखिए ऊपर से ट्रेन गुजरती है और यहाँ से यातायात जो छोटे मोटे साधन है, फोर व्हीलर, वैसे बड़ी ट्रक वगैरह तो नहीं गुजरती होंगी ना, बड़ी गाड़ियां नहीं गुजरती होंगी, लेकिन छोटी मोटी गाड़ियां यहां से गुजर जाती हैं और यहां इसके ऊपर से रेलवे यातायात है। और फिर मैं आपको बता दूं कि ये ब्रिज जो है प्रयागराज का सबसे पुराना ब्रिज है, इस ब्रिज को लगभग 157 साल अब तक हो चुके हैं। फ्रेंड्स हम लोग इंटरेस्टिंग बात ये कह सकते हैं कि अंग्रेजों के ज़माने का जो ब्रिज है, सबसे पुराना ब्रिज प्रयागराज में हाल फिलहाल में मौजूद है, उसका हम लोग रिव्यू ले रहे हैं और आपको पूरा सीन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ का ये कुछ सीन है, अब हम लोग आगे का कवर करने निकल देते हैं। तो फिलहाल फ्रेंड्स हम लोग पहुंच चुके हैं नैनी के नए वाले ब्रिज पर और यहां से हम नैनी के जस्ट जो ब्रिज बना हुआ है उसके जस्ट नीचे खड़े हैं और यहां से आपको पूरा नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सक रहे हैं यमुना नदी का बहाव और यमुना नदी का जो कैसा कलर भी हल्का नीला कलर दिख रहा है। और फ्रेंड्स गंगा जी का जो पानी है वो हल्का मटमैला कलर का है। तो फिलहाल यहाँ का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ चारों तरफ। और फिलहाल प्रवीण भाई यहाँ पे हैं गया तो भाई इसको सीधा कर रहा भाई वैसे कैसे बाल ना थोड़ा छोटे डालो, अब सही रहेगा, छोटे छोटे रंग बढ़िया रहता है। बात मैं हेलमेट भी लगा रहा हूँ ना, बाइक ड्राइव कर रहा हूँ हेलमेट लगा रहा हूँ तो थोड़ा सा मतलब भाई क्या हाँ भाई दिक्कत होना ही है। आज मैं ऊपर आसमान नीचे मैं आ गया हूँ अरेल घाट में ओ, कैसा लग रहा है? एकदम जबरदस्त चौचक मस्त लग रहा है ना, एकदम मस्त। तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रवीण भाई इस समय ले रहे हैं सुबह सुबह मॉर्निंग में ही साइकिल चलाने का मजा और काफी मजा आ रहा है यहाँ। फ्रेंड्स अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अरेल घाट में, अरेल घाट का मजा आपको सीन दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और यहाँ पे भाई हैं और यहाँ पे भाई मिले हैं, भाई अपना नाम बता दीजिए। आदित्य। आदित्य और कहाँ यहाँ पे? एग्रीकल्चर। अच्छा एजुकेशन से? एग्रीकल्चर में भी ये पढ़ाई करते हैं अभी। तो फिलहाल मॉर्निंग में वॉकिंग के लिए निकले हुए होंगे, साइकिलिंग के लिए निकले हैं। तो भाई इस समय रेल घाट में हम लोग से मुलाकात हुई, मिले तो कुछ बताएंगे मेरे चैनल के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
भैया को सपोर्ट कीजिए। बड़े अच्छे पहल उन्होंने शुरू किए। अभी ये सुबह सुबह मतलब अरेल घाट आए थे व्लॉगिंग करने के लिए, एकदम मतलब सुबह का एकदम फ्रेश इसमें ये आए हैं। भैया थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और फिलहाल आपको व्यू दिखा देते हैं, नज़ारा यहाँ का अरेल घाट का। यहाँ से मतलब हर एक चीज़ दिखता है, किला दिखता है यहाँ से, जो अकबर का किला है, और प्रयागराज संगम भी दिखता है, शास्त्री ब्रिज दिखती है। मतलब यहाँ से काफ़ी सारे नज़ारे आप देख सकते हैं प्रयागराज संगम से। बाय भैया। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे भाई और मिल गए हैं और सब लोग लगभग मॉर्निंग के यहाँ पे आए हैं नज़ारा देखने, और एक आप घूमने के लिए आए हैं। दिल्ली आते हैं? नहीं दिल्ली तो नहीं। अच्छा, नाम बता दीजिए अपना। मेरा नाम है विवेक मिश्रा। विवेक जी हैं और आज आए, मतलब डेली नहीं आते, आज आए, इनका मूड बन गया होगा देखने के लिए यहाँ मॉर्निंग का नज़ारा देखने के लिए, किला वगैरह देखने के लिए। तो भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो फिलहाल अब हम लोग चलते हैं, कहाँ पे नीचे साइड चले प्रेम भाई, वहाँ पे नीचे साइड चलकर आपको पूरा नजारा दिखाने की कोशिश करते हैं नीचे साइड। भाई यहाँ से भी जो नेचुरल वाइब्स मिल रही है ना यार, उसकी भी कुछ अलग ही बात है। लेकिन आई श्योर हम लोग वहाँ जाएंगे ना, अलग ही बात कुछ होगी, अलग सी बात होगी। और अगर तुम्हारा कभी आगमन हो यहाँ पे ना प्रयागराज में यार, तो आओ रेल घाट को विजिट करो, घूमो यहाँ पे। और अगर तुम प्रयागराज में रहते हो तब भी आओ, रोज आओ, रोज आओ। तो भाई हम लोग अरेल घाट के जो सीढ़ी है, सीढ़ी के जस्ट नीचे आए, और यहाँ पे ये नज़ारा हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सीढ़ियाँ, सारी सीढ़ियाँ मतलब ढक गई थी, है ना भैया? तो भाई ये देखिए, सारी जो सीढ़ी है सारी सारी ढक गई है। तो भाई लोग जो हैं इसको खुदाई करके सीढ़ी को साफ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी पूरा ढका हुआ था, आप देख सकते हैं ये पूरा ढका हुआ था, और अभी भी देखिए यहाँ पे ढका हुआ है। तो भाई लोग पूरा साफ करें, पूरा मतलब पूरा सीढ़ी साफ करना पड़ेगा ना। अच्छा, ये कहाँ तक होगा? बस ये यहाँ तक? अच्छा, उसके नीचे तक? हाँ। अच्छा, वो गड्ढे तक जो है आप देख रहे हैं वहाँ तक है पूरे। तो अंकल जी बताइए, यहाँ पे जो मेला क्षेत्र यहाँ पे सजता है जी, लगता है लगता, तो लगभग कब तक तैयार हो जाएगा? यहाँ पे अभी देख रहे हो जो सीढ़ी वगैरह है, ये अभी साफ नहीं, साफ करने में काफी टाइम लग जाएगा। मशीनें लगी हुई हैं। हाँ। ये जनवरी फर्स्ट वीक तक हो जाएगा सर। अच्छा, फर्स्ट वीक तक हो जाएगा, और फर्स्ट वीक में लगभग स्नान वगैरह सब कुछ शुरू हो जाएगा। हाँ, 6 तारीख के बाद से जो श्रद्धालु जो हो आना भी स्टार्ट कर देंगे तब तक। तब तक तो लेकिन काम देख रहे हैं, तो काम तो वैसे फिलहाल फ्रेंड्स देख रहे हैं, काम तो यहाँ पे लगभग कुछ भी नहीं हुआ है, फिर भी काम काफी स्लो है। और जहाँ तक काम की बात करें, काम इस साइड काफी तेजी से चल रहा है सर। यहाँ छोटा कार्यक्रम रहता है, उधर थोड़ा ज्यादा। हाँ, उधर तो बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पे। अच्छा, सिर्फ वहाँ पे लेकिन भीड़ तो लगती होगी ना हर साल? भीड़ तो लगती है। फिर श्रद्धालु जो वहाँ नहीं पहुँच पाए, यहीं पे स्नान कर दे गंगा मैया तो एक ही है। तो फ्रेंड्स जो है कार्यक्रम लगातार चालू है, बस फर्स्ट वीक में जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी यहाँ पे भी। वाकई फ्रेंड्स बहुत अच्छा लग रहा है, और हम लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे गोवा में समुद्र बीच पे हैं, और बहुत अच्छा लग रहा है जो पानी। कोई नहीं श्याम भैया, एक दिन गोवा भी चलेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, हम लोग कहीं भी पहुंच सकते हैं, बस आप लोग अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखिए। फिलहाल फ्रेंड्स पानी ठंडा है, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है पानी का। जो देखिए आप लोग, देखिए पानी कितना साफ है, देखिए बहुत ज़्यादा साफ पानी, इसको चाहे पी भी सकते हैं। वैसे गंगा मैया के जल है, लोग पीते भी हैं, तो हम लोग वैसे ज़्यादा अंदर नहीं जाएंगे, नहीं तो पता चला ब्लॉगिंग चक्कर हम लोग अंदर चले जाए। और वहाँ देख लीजिए, देखिए साइबेरियन पक्षी का आगमन हर साल होता है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स नज़ारा। साइबेरियन पक्षी जो है, जो रसिया से आते हैं यहाँ पे। वाह,
फुल एंजॉयमेंट, फुल सर में प्राउड हुआ बताएं, आज बहुत मजा आ गया आपके साथ ऐसे लोकेशन में, तो बहुत ही मजा आ गया। हमने क्या कहा था आपसे, निकलेंगे तभी कंटेंट मिलेगा भैया। बस इसी तरह आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, हम लोग बेहतरीन कंटेंट लाकर कोशिश करेंगे देने के लिए। भाई ये साइबेरियन के बीच में कछुआ, ये है कौवा, क्या कर रहा है वो भी लग रहा है साइबेरियन बनना चाहता है, साइबेरियन बनना चाहता है कन्वर्ट होके। भाई गजब यार, कितना सही लग रहा है जाम भैया। और क्या यार, बस जुकाम ना हो ना। नहीं नहीं कुछ नहीं, दोपहर में लाएंगे भाई यहाँ पे, मतलब वो 3 बजे इस टाइम भी ठीक है, लेकिन जुकाम नहीं होगा, डरिए मत, कुछ नहीं होता है, पक्का नहीं होता है। एकदम भाई समुंदर वाली फील आ रहा है ना, एकदम बहुत, मतलब अपने अपने शहर का यही है भाई, सी यही बीच, हाँ यही बीच है अपने यहाँ का। और वहाँ फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं नैनी ब्रिज भी दिख रहा है, और बहुत अच्छा नजारा लग रहा है, और यहाँ से शास्त्री ब्रिज भी देख रहे हैं, मतलब ब्रिज की बौछार लगी यहाँ पे, शास्त्री ब्रिज, यमुना ब्रिज, हर ब्रिज ही ब्रिज यहाँ पे है। है दाना कितने का है भाई, लाओ खिलाते हैं, है ना, दे दो भाई दाना, एक ही लेते हैं। कितने का है, 10 का, 10 का कितना, नहीं 10 का एक, हाँ तो एक ही चाहिए ना भाई, एक ही दो फिर। तो फाइनली फ्रेंड्स सब लोगों ने ले लिया दाना, और खिलाते हैं साइबेरियन पक्षी को, प्रवीण भाई तो आ दीजिए, खिलाएं खिलाएं खिलाएं। तो फाइनली फ्रेंड्स हम लोग दाना ले चुके हैं, ये इन लोग को हटाना पड़ेगा ना, सिस्टम से नहीं, कुत्ते लोग डर रहे हैं, वहाँ चले। तो फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पे हमें एक मैम के साथ मुलाकात हुई है, और मैम से हम लोग जानते हैं यहाँ का, मतलब इनका एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ पे, मैम से जानने की कोशिश करते हैं। मैम बताइए, आप अपना नाम बताइए प्लीज। मेरा नाम अंशु है, मेरा तो अरेल घाट से पुराना नाता है। अच्छा। क्योंकि मैं ही रहती हूँ नैनी में। अच्छा। और मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छा लगता है, अपनी बेटी को ड्रॉप करती हूँ डीपीएस स्कूल। अच्छा, तो यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करती हूँ, एंड इट इज जो आपको फील आती है ना, मतलब एज इन फ्लोइंग रिवर को देखने पे जो जो कामनेस आपको महसूस होती है ना, वो मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। तो आई वॉक करने के बाद मैं कोशिश करती हूँ कि कई बार नीचे आके इधर नदी की तरफ आ जाऊं, और अभी तो माघ मेला शुरू होने वाला है जी। तो वो जो ये प्रिपरेशन आप देख रहे हैं, सारी सारे पोल्स एंड ऑल, तो वो जो फेस्टिविटी है ना, एक जैसे फेस्टिवल का जो माहौल होता है, हाँ। वो आपको हवा में ऑलरेडी दिखने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो मैम अभी इस समय लगभग जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी सारे जो दूर दूर से लोग आते हैं श्रद्धालु, आप रिलीजियस हो या ना भी हो, बट यहाँ आना अपने में बहुत सुकून, बहुत बहुत सुकून मिलता है, मन को बड़ी शांति मिल जाती है, बहुत सुकून देता है, तो मुझे बहुत पसंद है यहाँ आना। ओके ओके, थैंक यू मैम आपका चैनल पे, हमारे चैनल पे आने के लिए, इसको हम लोग अपलोड कर देंगे, चलेगा ना यूट्यूब पे। ओके, प्लीज डू लेट मी नो योर चैनल नेम सो दैट आई कैन आल्सो, श्याम प्रयागी व्लॉग्स। ओके ओके, प्लीज सर्च करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा मैम एक बार प्लीज। फाइनली फ्रेंड्स हम लोग आ चुके हैं अभी प्रवीण भाई के घर पे, और यहाँ पे इनको ड्रॉप करते हैं और प्रवीण भाई से कहते हैं विदाई लेते हैं। विदाई कहाँ भी तो मिलना नहीं, मतलब अब मिलना है, बता नहीं अभी, 12 बजे कुछ है, कुछ है प्रोग्राम, तो है तो 12 बजे मिलते हैं हम लोग हैं बालसन चौराहे पे।